गाइस हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट का फर्स्ट टीजर लॉन्च हो गया है, जिसमें आप इस गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन देख सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल बताने वाला हूँ हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस मिलने वाले हैं और उस गाड़ी के अंदर कौन कौन से आपको न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको न्यू डिजाइन के अंदर ग्रिल मिलती है, जो काफी बिग साइज की ग्रिल है और देखने में काफी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे आपको न्यू हेडलैम्प सेटअप मिलता है, जो फुल एलईडी में बेस होने वाला है। यहाँ पे आपको क्वाड एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है और साथ में आपको एलईडी में डीआरएम मिलते हैं, जो आपको एल शेप के अंदर मिलते हैं। तो क्रेटा का इस बार जो हेडलैम्प सेटअप है वो काफी पावरफुल होने वाला है। और यहाँ पे आपको रीडिजाइन ही बंपर मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको जो फ्रंट फेसिया मिलता है वो कम्प्लीटली आपको रीडिजाइन मिलता है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव और काफी प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पे इस बार आपको कोई भी फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि आप सबको पता ही है आजकल सभी कंपनी अपनी अपनी कार में से फॉग लैंप्स वाले ऑप्शन को रिमूव कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्रेटा के अंदर भी कोई फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और वहीं अगर बात करूं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आपको 17 इंच के न्यू डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो देखने में काफी प्रीमियम लग रहे हैं। बाकी ORVM के अंदर आपको एलईडी में इंडिकेटर मिल जाएंगे, साथ में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगा। अभी तक जो करंट जनरेशन क्रेटा थी उसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को नहीं मिलता था, बट फेसलिफ्ट के अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। तो साइड में तो बस यही चेंजेस थे, कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए साइड में, क्योंकि ये एक फेसलिफ्ट है। और वहीं अगर बात करूं इस गाड़ी के रियर डिजाइन के बारे में, तो वो भी इन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर दी है। यहाँ पे वो कनेक्टेड वाले एलईडी में टेल लाइट्स मिलती है, जैसा आपको पता है मार्केट के अंदर ट्रेंड सेट हो गया, चाहे वो हुंडई की वर्ना हो, चाहे वो किया की सेल्टोस हो, हुंडई की वर्ना हो या फिर टाटा की नेक्सोन हो, सभी गाड़ी के अंदर आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। तो आपको क्रेटा के अंदर फुल एलईडी बेस्ड कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलने वाली है, जिनका डिजाइन काफी प्रीमियम लेवल का है और ये भी आपको एच शेप के अंदर मिलेगी। बाकी रीडिजाइन आपको बूट और बम्पर मिल जाएगा इसका, मतलब जो क्रेटा फेसलिफ्ट की रियर प्रोफाइल है वो भी हुंडई ने कम्प्लीटली रीडिजाइन की है। तो गाड़ी की रियर प्रोफाइल भी काफी प्रीमियम लग रही है। और अगर बात करूं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो यहाँ पे आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर मिलेगा, जैसा आपको करंट जनरेशन क्रेटा के अंदर मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ड्यूल डिस्प्ले मिलने वाली है, जो मीटर कंसोल है और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको कनेक्ट मिलेंगे। जो इसका मीटर कंसोल है वो आपको फुली डिजिटली मिलने वाला है, जो 10.25 इंच का होगा, और जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी आपको 10.25 इंच का मिलेगा। जैसा आपको सेल्टोस के फेसलिफ्ट के अंदर मिलता है, मीटर कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम अटैच है, सेम उसी डिजाइन के अंदर आपको क्रेटा के अंदर ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने वाला है, बाकी स्टीयरिंग व्हील वगैरह आपको सेम ही मिलने वाले हैं। और अगर बात करूं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रीडिजाइन डैशबोर्ड मिलता है, जो देखने में काफी प्रीमियम लेवल का लग रहा है। और अगर बात करूं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एडास मिल जाएगा, साथ में आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाएगा, पैनारोमिक सनरूफ मिलेगी, फ्रंट की सीट आपको वेंटिलेटेड मिलती है, बाकी आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर्स तो मिल जाएंगे, साथ में आपको ऑल फोल्ड डिस्प्ले भी मिल जाएंगे, जो आपको करंट जनरेशन क्रेटा के अंदर मिलते हैं। तो जो गाड़ी का एक्सटीरियर और जो इंटीरियर है वो हुंडई ने काफी कमाल का बनाया। क्रेटा पहले भी काफी लोगों की फर्स्ट चॉइस थी, और इस फेसलिफ्ट के बाद क्रेटा और भी धूम मचाने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी की जो लुक्स है वो काफी अग्रेसिव, काफी कमाल की लग रही है। और अगर बात करूं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 115 bhp की पावर मिलती है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 6 स्पीड आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। सेकंड इंजन मिलता है आपको डीजल, जिसमें आपको 115 PS की पावर मिलती है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। फिर आता है इसका 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 160 PS की पावर मिलती है और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और इसमें आपको सिंगल ट्रांसमिशन मिलता है 7 स्पीड DCT, मैनुअल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। तो इंजन ऑप्शन आपको सेम ही मिलने वाले हैं, जो आपको करंट जनरेशन हुंडई क्रेटा के अंदर मिलते हैं। तो अगर आप भी क्रेटा फेसलिफ्ट का वेट कर रहे थे और इस गाड़ी को लेना चाह रहे थे, तो जाके आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हो, इस गाड़ी की बुकिंग ओपन हो गई है। और अगर बात करूं इस गाड़ी की लॉन्च डेट के बारे में, तो 16 जनवरी को इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है। फिर देखते हैं गाड़ी आप लोगों को कितना पसंद आती है और हुंडई इस गाड़ी को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतने, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।